बारह जुलाई से शनि की वक्री चाल कुंभ से मकर में होगी शनि की वापसी शनि के आने वाले ये छह महीने 12 राशियों पर कैसा प्रभाव डालेंगे क्या आपकी सेहत होगी प्रभावित क्या रिश्तों पर पड़ेगा असर क्या आर्थिक स्थिति पर पड़ेगा फर्क क्या कोर्ट कचहरी मामलों में मिलेगी राहत देखे सिर्फ धर्म ज्ञान पर नमस्कार धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है मैं हूँ आपके साथ कविता राणा मेरे साथ आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी नमस्कार कविता जी नमस्कार दर्शकों तो आज हम बात करने वाले हैं धनु राशि वाले जातकों के बारे में और वो इसलिए क्योंकि अब तक धनु राशि वाले जातकों को यही लग रहा था कि उनतीस अप्रैल से जब शनि महाराशि परिवर्तन कर चुके हैं तो उनसे शनि की साढ़ेसाती हट चुकी है लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि इस बारह जुलाई से शनि के वक्री होने से आप पर फिर फिर से शनि की साढ़े साथी का आरंभ हो चुका है और ये जो प्रभाव है जब तक शनि मार्गी नहीं हो जाते यानी कि 11 जनवरी तक माफ़ कीजिए 17 जनवरी तक रहेगा तो आने वाली छः महीने जब शनि की वक्री अवस्था में आपने शनि की साढ़े साथी की आरंभ दोबारा हो जाएगी तो आपके लिए ये समय कितना मुश्किल भरा रह सकता है किन चुनौतियों का आप लोगों को सामना करना पड़ सकता है राहत मिलेगी या फिर परेशानियाँ बढ़ेंगी यही आज हम जानेंगे आचार्य जी से आइए देखिए इसमें हमेशा की तरह हर पहलू पर बात करेंगे आपकी सेहत को लेकर काम कारोबार आर्थिक पक्ष और आपके भाग्य को लेकर सबसे पहले जान लेते हैं कि आपकी गृह स्थिति क्या कह रही है इस शनि की वक्री अवस्था में बताइए देखिए कविता जी दो से तीन मुख्य घरों पे इनका निगाह डालने की जरूरत है धनुराशि वालों के लिए पहला द्वितीय घर में शनि वक्री अवस्था में बैठना तीस, दूसरा जो है वह मंगल राहु का पंचम भाव में आना और उसके बाद सप्तम भाव में सूर्य बुद्ध शुक्र का आना जी। यह तीनों घर इनके जीवन में बड़ी घटनाओं को दिखाते हैं और यह गोचर जो है जैसा कि आपने कहा कि साढ़े साती से मुक्त होते हुए भी और फिर से उसी जाल में फंस जाना ये उसी समान है मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि ये उसी के समान आपको दिखेगा कि जैसे कहीं आप किसी दुर्घटना में या किसी बुरे समय में फंसे हुए थे तो छोटे समय के लिए आपको किसी ने कहा कि जाइए आप फ्री हैं और आप बड़े खुश हो गए कि अब मैं मुक्त हो गया हूँ अब मैं अपने घर जा सकता हूँ लेकिन दस कदम चलते ही फिर आपको जकड़ लिया जाए और कहा जाए कि नहीं अभी आपको कैद में ही रहना है राशि वालों के लिए यह छः महीने ऐसे ही होने वाले हैं कविता जी लेकिन कुछ विषयों पर यह शुभता भी दे रहे हैं उस पर भी प्रकाश डाला जाएगा कविता जी अगर सबसे पहले बात करें कि सेहत को लेकर तो सेहत कैसी रहेगी सेहत के लिए देखें तो बहुत ही शुभ समय इनके लिए है सेहत में सुधार आएगा स्वास्थ्य धन का लाभ इनको पूर्ण रूप से मिलेगा स्वास्थ्य में सुधार के साथ साथ अगर कोई ऐसी बीमारी थी जो इनको अब तक परेशान कर रही थी लाइलाज थी या पता नहीं चल रहा था बड़े से बड़े डॉक्टरों को परामर्श ले चुके थे लेकिन फायदा नहीं हो तो अब वह लाभ की स्थिति में आना शुरू हो जाएगा स्वास्थ्य धन से यह परिपूर्ण होंगे इस महीने में स्वास्थ्य संबंधी पीड़ाओं से इनको मुक्ति मिलती हुई दिखाई दे रही है कविता तो चलिए तो आपने इनके स्वास्थ्य के बारे में बताया बात अगर हम इनके पर्सनल लाइफ को लेकर करें निजी जीवन को लेकर संबंधों को लेकर तो इनका वैवाहिक जीवन पारिवारिक जीवन और कहें कि प्रेम प्रसंग के मामलों में जो हैं उनके लिए ये समय कैसा रहेगा देखिए इनके अगर रिश्तों के मामले में बात करें तो रिश्तों के संबंध में इनको पति पत्नी के रिश्तों में या फिर व्यक्तिगत जीवन में बड़ा शुभतापूर्ण दिखा रहा है लेकिन इससे उलट अगर हम बात करें संतान पक्ष पंचम भाव में मंगल राहु का रहना इनके संतान पक्ष से इनको पीड़ा मिलती हुई दिखाई दे रही है सत अगर संतान बड़ी हो चुकी है तो उसका इनके विचारों से विरोधाभास होना या कुछ उड्डंड प्रवृत्ति का होना कहीं ना कहीं संतान के बर्ताव से और

बीच में उनतीस अप्रैल के बाद से 12 जुलाई तक का समय इनके लिए थोड़ा सा रिलैक्स मिला हुआ था लेकिन इस गोचर की अगर विशेष रूप से बात करें तो इस गोचर में इनके लिए आर्थिक दंड आर्थिक तंगी और आर्थिक रूप से परेशानी का सबब इनको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है विशेष करके नौकरी का छूट जाना या नौकरी में परिवर्तन करने की वजह से तनाव आना या व्यापार में पैसे का फंसना व्यापारिक दृष्टिकोण से व्यापार का टूटना इस तरीके का भाव दिखाता है कविता जी तो आर्थिक रूप से इनके लिए कष्टकारी होने वाला है बकरी समय अच्छा जी ये तो हमने अब तक बात की इनकी सेहत को लेकर इनके संबंधों को लेकर काम कारोबार के बारे में भी जान लिया अब अगर हम इनके भाग्य को लेकर जानने की कोशिश करें कि छः महीनों में जब ये साढ़े सात से दोबारा गुजरेंगे गुजरेंगे तो इनके लिए इनका भाग्य इनका कितना साथ देगा देखिए भाग्य का अंश जो है वह बहुत कमजोर इस छः महीने में रहेगा कविता जी उसका एक मुख्य कारण है कि द्वितीय भाव में शनि और साथ ही साथ मंगल पंचम भाव में आना मंगल राहु का यह दर्शाता है कि इनको हर चीज़ के लिए चाहे वह मानसिक सुख हो चाहे शारीरिक सुख हो चाहे आर्थिक सुख हो हर चीज़ों के लिए इनको अपने अंदर खुद स्वयं से लड़ना पड़ेगा पहले तो उसके बाद फिर समाज में या प्रत्यक्ष रूप से फाइट करना परिश्रम करना पड़ेगा लड़ने का मतलब यहाँ पर कठोर परिश्रम कठिन परिश्रम से है तो उस तरीके का बर्ताव देखने को मिलेगा तो भाग्य की जो सुई है वह कमजोर है इनके लिए इस छः महीने में कविता जी जो लोग कोर्ट कचहरी के मामलों में फंसे हुए हैं उनके लिए राहत का समय अब आने वाला है या फिर इनकी परेशानियाँ और बढ़ने वाली हैं कोर्ट कचहरी के, के विषयों में अगर बात करें तो अगर देखें तो एकादश भाव में केतु का रहना और द्वितीय भाव में शनि का रहना इनके लिए आशंकित और परेशान करने की भावना देता है होगा कुछ नहीं लेकिन समय समय पर कुछ ऐसी घटनाएं होंगी जिससे वजह से इनका मन आशंकित हो जाएगा या घबरा जाएंगे इनके लिए मानसिक रूप से कोर्ट कचहरी इत्यादि में पीड़ा मिलना सुनिश्चित है लेकिन कोई बड़ी सजा इत्यादि इस तरीके का बर्तन अगर कुछ चल रहा है या कहीं कोई प्रशासनिक रूप से कुछ दिक्कत चल रही है तो वहाँ पे इनको कोई बड़ी दिक्कत नहीं होगी लेकिन मानसिक उलझन जो है मानसिक रूप से इनको पीड़ा बराबर मिलती रहेगी कविता जी ऐसे में क्या उपाय इन्हें करना चाहिए धनु राशि वालों के लिए सबसे उत्तम है कविता जी कि विशेष रूप से इनको यह ध्यान देने की जरूरत है कि बृहस्पति को बल देना है अपने ही स्वामी ग्रह को और साथ ही साथ राहु की शांति के लिए प्रयास करना है तो

जुलाई से शनि की साढ़े सात ही दोबारा से शुरू हो रही है और देखिए शनि जब तक वक्री रहेंगे तब तक का ये समय आने वाला छः महीने आप लोगों के लिए कैसे रहने वाले हैं तो इसी के साथ उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो ज़रूर पसंद आएगा और इसी के साथ मुझे आचार्य जी को दीजिए इजाज़त नमस्कार